तो मैं वापस आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो इस वीडियो में मैं दोबारा बात करूंगा टिकटॉक के कंटेंट जोड़ों के बारे में। तो आपको क्या लगता है टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नई टैलेंट न्यूकमर और मिडिल क्लास जो कि नॉर्मली फोन से वीडियो बनाते हैं उसको बढ़ावा मिलता है? आज ही घंटा मेरा मां तो ये चलता ही कौन तुम कंटेंट चोरी करो अपना कंटेंट बनाओ मत और चुराए हुए कंटेंट को क्रेडिट मत दो फिर उस कंटेंट पे तुम मिलियन से मिलाओ और मजा नहीं लाए अपनी मजा नहीं लाए। अगर आपने कंटेंट चोर पार्ट वन नहीं देखा है तो जल्दी अगले चैनल पे गए क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो नेक्स्ट पार्ट बनाओ तो पहले पार्ट देख रहे क्या बात है। तो इस पार्ट में बात करेंगे हम बहुत ही फेमस टिकटॉकर की जिन्होंने बहुत ही फेम इकट्ठा किया बहुत ही फेम जिन्होंने यूट्यूब पे पहली वीडियो डाल दी काफी मिलियंस ऑफ मिलियंस में डिसलाइक्स पाए हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ फैजू जी का सामने की। तो इसकी पहले कॉपीड वीडियो देख लो। अच्छा कुछ लोग काम ही डांट खाने वाला करते हैं। जब पत्नी ने एक बार कह दिया कि वो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी तो हर आधे घंटे बाद पूछने की क्या जरूरत है कि और कितना टाइम लगेगा। तो अब ये ओरिजिनल वीडियो देखो जो ओरिजिनल वीडियो इस इंसान ने बनाई थी। अच्छा कुछ लोग काम ही डांट खाने वाला करते हैं। जब पत्नी ने एक बार कह दिया कि वो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी तो हर आधे घंटे बाद पूछने की क्या जरूरत है कि और कितना टाइम लगेगा। ओ भैया कंटेंट चोर के लाइक्स देखो और जो ओरिजिनल क्रिएटर था उसके लाइक्स देखो क्या अंतर है। वाह फेमस क्रिएटर होने का ये फायदा तुम टट्टी से टट्टी कंटेंट बनाओ तुरंत कंटेंट बनाओ जनता तुम्हें लाइक्स देगी देगी वो भी मिलियंस में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ये हमारी टुंटुन मौसी है जो कि मैंने पिछली वीडियो में इनका नाम गढ़ दिया था। ये हमारी लोकल टुंटुन मौसी है तो ये नॉर्मली कंटेंट चोरी करती रहती है तो इनके लिए कोई आम बात नहीं है वो कंटेंट और क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं देती ना ही हमारे भाजू भाई देते हैं ना ही हमारी टुंटुन मौसी देती है क्रेडिट। तो टुंटुन मौसी की ये वाली वीडियो जो कि इन्होंने कंटेंट चोरी करके बनाया है पहले ये वीडियो देखो। ओ माय गॉड मैंने तेरे को दिल दिया फिर पता चला तेरे को तो दिमाग की जरूरत थी। अब तो ओरिजिनल वीडियो देखो जो कि परदेसी गर्ल ने बनाया है। अगर आप परदेसी गर्ल को नहीं जानते तो यूट्यूब पे सर्च करो मस्त है मजा आएगा मजा। ओ माय गॉड मैंने तेरे को दिल दिया फिर पता चला तेरे को तो दिमाग की जरूरत थी। तो अब टुंटुन मौसी की लाइक्स देखो और ओरिजिनल वीडियो पे लाइक्स देखो क्या अंतर है। वाह ये ही टिकटॉक करता है जो ओरिजिनल कंटेंट बनाता है उसको कभी प्रमोट नहीं करता जो फेक होता है जो झूठ बोलता है जो बनावटी चीजें करता है जो कंटेंट चोरी करता है उसको हमेशा बढ़ावा देता है टिकटॉक हमेशा यही करता है। जो भी ओरिजिनल क्रिएटर होगा उसके कभी भी इतने मिलियंस में लाइक नहीं आते ये फैक्ट है। और यहाँ पे टुंटुन मौसी क्रेडिट के नाम पे कुछ नहीं दो इमोजी डालती है भैया इमोजी डाल दी अबे यार तू क्रेडिट दे दी थी क्या जाता तेरा लिखने में तेरे हाथ टूट रहे थे और क्रेडिट के नाम पे फिर ये कहती है। ओके सो गाइस मैं कब से देख रही हूँ यार इट्स इनफ ऑफ पीपल कमेंटिंग कि आई भी दे दो यार। एक बात बताओ मैं जिसके साउंड पे बना रही हूँ उसका नीचे ओरिजिनल साउंड लिखा हुआ आ रहा है ना तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो ऑलरेडी उसका हो चुका है तो इसमें स्पेशली आई भी देने का मतलब क्या मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। अगर टुंटुन मौसी क्रेडिट दे दोगी तो क्या मेरी मौत आ जाएगी तो या तुम्हें इस बात का डर है जो ओरिजिनल क्रिएटर है जिसे कंटेंट अच्छा है वो तुमसे आगे निकल जाएगा या तुम या किसी नए क्रिएटर को आगे नहीं आने देना चाहते तुम सिर्फ छोटे जो भी ओरिजिनल क्रिएटर है उसे बस कॉपी करके अपने ही लाइक्स अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हो। वाह वाह वाह। तो भैया अब है सनसनीखेज खुलासा ठीक है। तो हमारे बॉलीवुड एक्टर हितेश देशमुख ने भी वीडियो कॉपी की है बताऊ कहां से किसकी वीडियो कॉपी की पहले हितेश देशमुख की ये वीडियो देख लो ठीक है। इसका शायद मैं गाना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूं कॉपीराइट क्लेम की वजह से मगर वीडियो देख लो पहले। जी खलनायक तो हाँ अब ओरिजिनल वीडियो देखो कहां से उन्होंने कॉपी की। तो बाहर फॉरेन कंट्री से करेंगे
बॉलीवुड वालों से कहने ताकि लोगों को पता नहीं चले कि कहां से कॉपी की है, लोग बोल ही ना पाए। मगर भैया हम तो यूट्यूबर, हम तो खुद खुद ही निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट में, ठीक है, जो है ब्यूटी खान, जो काफी फेमस हुई है, हर गलती से वायरल हुई है। और ये तो महाचोर महा कॉन्टेंट कॉपी करते हैं, नहीं मानते। ये देखो में आया है, तू लंदन में रहती है, अब भी के अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। ओ, ओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। पैसे हैं तेरे पास? नहीं। पासपोर्ट है तेरे पास? नहीं। अबे रिक्शे जैसी शक्ल क्या है तूने? लंदन में आया है, तू लंदन में रहती है, अब भी के अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। ओ, ओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। पैसे हैं तेरे पास? नहीं। पासपोर्ट है तेरे पास? नहीं। यहाँ लोग कहते हैं कि तुम फर्स्ट कॉपी यूज करते हो, कॉपीड चीजें मत यूज करो, ओरिजिनल चीजों को सपोर्ट करो। यहाँ कॉपीड वीडियो पे 4.1 मिलियन हद है भाई। टिकटॉक की ऑडियंस है ना, सिर्फ कंटेंट चोरों को सपोर्ट करती है बस, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको कभी सपोर्ट नहीं करती जल्दी। तो खैर इन कंटेंट चोरों को यही छोड़ते हैं और इस पार्ट को यही एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना। अगर इस वीडियो पे 1000 लगाएगा तो मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर गिव अवे कर दूंगा, उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। पहले इस वीडियो को 1000 लाइक कर दो, फिर गिव अवे करते हैं आपसे। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।